राम राम जी, सारा ना ठीक हो? सारे हो? मैं तो सारे ठीक क्या होंगे, जो एक एनर्जी लेवल है ना उससे आप लोग समझ गए बहुत हद तक मैं ठीक हूँ। और लेकिन आज फिर भी मैं जिम नहीं गई, मतलब ये था कि भले ही ठीक हूँ पर इतने भी ठीक नहीं हूँ कि उठते एकदम से जिम के लिए भाग लूँ। तो आज भी रेस्ट लिया है और प्रोबेबली कल और लास्ट है बस रेस्ट का, उसके बाद से जिम शुरू। एंड इतना अच्छा लग रहा है, मतलब है ना अभी एक ऐसा हो गया जैसे बॉडी ना हर तरीके से डिटॉक्स हो गई है बीमारी से ठीक होने के बाद से। मतलब जैसे रेस्ट मोड आया वो ठीक था, अच्छा अच्छा खाया, जो मन किया वो खाया, हेल्दी खाया, मतलब एक प्रॉपर एक अलग फेज में थी मैं। लगभग हफ्ता हो गया मुझे ये चलते चलते और कब बीत गया ना पता भी नहीं चला। निकल रही हूँ घर से बाहर क्योंकि इतने दिन अंदर रह रहे सारे काम जो थे अब वो कौन करेगा, ऑब्वियस मुझे ही करने पड़ेंगे ठीक होने के बाद से। तो आज मैं बेटर फील कर रही हूं तो सोचा क्यों ना पूरा फायदा उठाया जाए। हालांकि ये नहीं है कि बिल्कुल ठीक हूं बट बहुत हद तक जब मैं ठीक हो गई तो अपने काम निपटाने के लिए मैं निकल रही हूँ बाहर। एक दो तो बहुत बेसिक से ही काम है, फिर सोच अगर वहाँ से जल्दी फ्री होगी ना तो अपना ग्रोसरी का सामान भी लेते आ जाऊँ। आज ये व्लॉग 14th को शूट करे, आप लोग 15th को देख रहे हो बट मैं थोड़ा एडवांस चल रही हूँ, मुझे पता है 15 तारीख को आप लोग देख रहे हो। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सूट के लिए भी काफी कमेंट्स आ रहे थे कि ये वाला सूट जो है कहाँ से लिया, प्लीज बताए भाभी से पूछ के बताए। तो वो सूट अभी नहीं लिया था, काफी दिन पहले भाभी ने मेरे लिए मंगाया हुआ था तो वो आ गया था मेरे पास। वो अभी होता कि अब मेरे को अपनी चॉइस के हिसाब से उसको स्टिच कराना था और वो भी अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरा माइंड अभी बहुत जल्द ट्रैवल प्लान के लिए बन रहा है। ट्रैवल का प्लान बन गया तो राखी पे मैं यहाँ होंगी नहीं तो सूट स्टिच करा के रखने का कोई फायदा है नहीं, और बहुत ओकेजनली मैं पहनती हूँ फिर वो रखे रहते हैं तो फिर फायदा भी नहीं होता ना कोई। तो बस इसीलिए अभी पहले चलते हैं, जरूरी जरूरी काम जल्दी निपटा लेते क्योंकि मैं आज निकली थोड़ा लेट हूँ, ऑलरेडी 6:46 हो चुके हैं, 7 ही बज गए हैं। तो बस अभी पहले चल के और प्रमोशन का काम जो है ये निपटा देती हूँ, फिर मिलते हैं आराम से ताकि मेरे भी दिमाग से जो है थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी कि हाँ हो गया है और बस अब ठीक है अपडेट करना है। और पता है जब से कोरोना नाम की चीज़ दुनिया में आई है ना, जब से इसका आविष्कार हुआ है, आविष्कार लगा लो कि जब से आई है दुनिया में, किसी भी बंदे को वैसे रैंडम खांसी हो जाए ना सब ऐसे देखते हैं। मतलब मेरे खुद ये घर वाले, मैंने जैसे उन्होंने व्लॉग भी देखा, मैंने बताया भी मम्मी को कि ऐसा ऐसे कोल्ड हो गया, कोरोना तो नहीं है, है चेक करा लिए, करा लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिस प्रकार से हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती उसी तरह से खांसने वाला बंदा कोरोना पॉजिटिव हो ये जरूरी नहीं होता। पर देन ठीक है भैया, अपना काम चल गया, भगवान की दया से सब कुछ ठीक है, बच गए हैं। अभी ये है सारे काम निपटा के घर जाके सारा सामान रख के अब मैं निकली हूँ। अभी मेनली क्या, सबसे पहले मैं अपनी मेडिसिन अपनी दवाइयाँ ले लूँ क्योंकि खत्म होगी ना, 6-7 दिन पहले से तबीयत खराब हुई थी तो 3-4 दिन से तो मैं कंज्यूम कर ही रही थी तो मेरे को था 3 दिन तक ठीक हो जाऊंगी, पर जो डॉक्टर ने मेरे को पूरा कोर्स दिया ना उसके करके 1-2 दिन और मुझे लेनी है तो एक बार दवाई ले लेते हैं पहले। रोज तक दूसरा दिल्ली हो लिया, इतना ट्रैफिक में सोचो, इतना सा शहर है, इतने लोग आ कहाँ से रहे हैं। चालीस होने को आ गया, 8 बजे तक सारी दुकानें वाला लगभग बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो अभी पहले मैं रुकी हूँ अपना जूस पीने के लिए, बहुत दिनों बाद, मतलब याद भी नहीं मैंने लास्ट टाइम यहाँ कहाँ से पिया, यहाँ से कब पिया था। शॉप दिखाती हूँ ये वाली, तो जो रोहतक से ना मतलब 80-90% लोगों को पता हुआ इसके बारे में, बहुत पॉपुलर शॉप में आते हैं, इसके शेक्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो अभी मैंने अपना एक ऑर्डर कर दिया, बिल्कुल मतलब ठंडा नहीं, बता जाऊँगा मेरी आवाज़ सुन के देख लो, अगर ठंडा दे देना मैं और ठप हो जाऊँगी, आपका नाम आएगा। तो बोले कि नहीं बिल्कुल बिना बर्फ़ का बनाएंगे और बहुत अच्छा बनाते हैं, मतलब दिन के टाइम तो अगर आओगे ना गर्मियों में स्पेशली, मतलब वेटिंग होते है, रुकना पड़ता है 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद नंबर आता है, बहुत अच्छा बनाते हैं। ये पी गए फिर देखूंगी, अगर 8 बजे से पहले ये होगा कि वहाँ पहुँचने को होंगी तो अपना सामान लेके तभी घर चले जाऊँगी, वरना फिर ग्रोसरी के लिए सोच रही हूँ। कल वैसे भी संडे है, जिम तो है नहीं, अगर ये हुआ ना कल मन हुआ निकलने का तो कल सारा ही सामान, क्योंकि जो खाने पीने का है ना जैसे सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं, ओट्स वगैरह, ये ना मैं एक बार में ही मतलब ये ऐसा सोचती हूँ कि एटलीस्ट मैं 1 वीक का तो सामान ले लूँ ताकि रोज़ रोज़। हाँ ब्रेड की बात अलग है कि ब्राउन ब्रेड तो हर 3rd-4th दिन लेने पड़ते हैं, एक्सपायरी हो जाती है ना, पर बाकी सारी चीज़ें ये होता है कि 1 हफ्ते की 1 बार ले लो, झंझट नहीं रहता, एक्सक्यूज नहीं रहेगा सबसे बड़ी बात डाइट का, ये खत्म हो गया वो खत्म हो गया। और अभी इतने दिनों के बाद अब जब मैं ट्रैक पे आऊँगी ना अपनी डाइट को लेकर वर्कआउट को लेकर तो मुझे ये मैं काफ़ी सीरियस होकर लगूँ, बहुत दिन हो चुके ऑलरेडी, डाइट भी सारी स्किप हो गई हैं, वर्कआउट्स भी सारे स्किप हो गए हैं, पर कोई नहीं, कहते हैं ना चेंज इज नेसेसरी, तो ये जो चेंज था ये भी बहुत ज़रूरी था जिसकी वजह से अब मैं बहुत खुश भी हूँ और अच्छा भी फील कर रही हूँ, कहीं ना कहीं शायद ये मेरी बॉडी को नीडेड था उसके करके। और देन अब सही है, अब जूस पी के
फिर लेते हैं सामान। बाकी जो मर्जी है, जितनी मर्जी दूर जाके कुछ भी शूट कर लो, अपने शहर में कुछ भी शूट करते हो, कैमरा उठाते हो, लोग यूं देखते हैं। ये अपनी यूनिवर्सिटी और इंडिपेंडेंस के करके शायद इतनी बढ़िया डेकोरेट कर रखी है। देखो वहां तक लाइन है और मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया है, बस अभी थोड़ा सा व्लॉग करके और कैमरा सामने की तरफ कर दूंगी ताकि कहीं ऐसा ना हो ना रेड लाइट होने को आए, कोई रोड क्रॉस कर रहा और पता चले आके कोई ऐसे बेवजह चालू हो जाए तो अपनी सेफ्टी के लिए सोशल मीडिया रहेगा कि हाँ हम हमारी आवाज़ रख सकते हैं, जस्टिस मिलेगा हमें आजकल बहुत पावरफुल चीज़ हो गई भाई बहुत, तो अपना कैमरा उधर की तरफ ऑन करके रखती हूँ मैं तो सक्सेसफुली हम लोगों ने ट्रैफिक जो है ओवर कर दिया, खत्म यहाँ पे। अभी मैं आ गई हूँ घर पे और भैरव तक की भीड़, मतलब एक गली से दूसरी गली तक में जाने के लिए इतने लंबे लंबे जाम थे। तो आपके लिए दूध की तैयारी, मतलब थोड़ी सी चाय पत्ती और चाय का मसाला। अब जितना दूध मैंने इसमें डाला है ना, मतलब ये ग्लास है ये भरे से भी थोड़ा ज्यादा ही डाला था, और ये जब आधे जितना रह जाएगा ना तब इसको पीऊंगी और इतना मस्त टेस्ट आ जाता है फिर इसका, एकदम बढ़िया, मतलब टेस्ट एकदम से बदल जाता है क्योंकि एक तो आधा रह जाता तो इतना गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है ना, मीठा करने की भी जरूरत नहीं होती, इतना अच्छा टेस्ट आता है। चलिए बढ़िया, अपना खाना वाना खा के हो गया है, टाइम 9:35, अभी बस ये व्लॉग एडिट करके और सो जाऊंगी। आज है कि शाम के बाद से भी तबीयत मतलब ठीक है, वरना और दिन क्या होता था कि दिन तक ठीक रहता था और जैसे जैसे दिन ढलता था ना तबीयत डाउन होनी शुरू हो जाती थी, आज शाम को भी उसी एनर्जी के साथ और बढ़िया फील हो रहा है एकदम से। तो बस यही है, इसी एनर्जी लेवल के साथ ब्लॉग को एंड करना चाहूँगी। अब एडिट भी करूँगी ना तो 10:30-11 बज जाएंगे, इसे ज़्यादा लेट नहीं कर रही मैं, जब से मेरी तबीयत खराब हुई थी जल्दी सो जाया करती, 9:30 मैक्स हुआ करता, तो वही 10:30 तक सो जाऊंगे ब्लॉग एडिट करके। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इफ यस देन प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत मस्त मस्त आने वाले ब्लॉग्स आप लोगों का इंतजार करें, बस अब वेट करो मस्त एकदम से, इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रैवल सीरीज भी आएंगी और फैमिली ब्लॉग्स आएंगे थोड़े टाइम के बाद से, जिसको सब मिस कर रहे थे। एट द एंड हमेशा की तरह मोज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो, बाय।